शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सरदार, पूरा गांव नींद के सन्नाटे में सोया हुआ है, हम धावा बोल सकते हैं। है, तुम घर जाओ और ये सारा सामान निकाल कर मेरी अलमारी के ऊपर रख देना। साथी, अरे ये क्या हो रहा है? भागो, इधर आ जाओ। अरे ये आदमी तो बुरी तरह से जख्मी है। तुम एक काम करो, तुम घर जाकर पानी गर्म करो, मैं इस आदमी को लेकर अभी आता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो डाकू है। मैं जानता हूँ वो डाकू है, लेकिन इंसान भी है और एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं इसकी मदद करूं। मगर अगर कुछ नहीं, तुम घर जाकर पानी गर्म करो, मैं आता हूं। जाओ। जिंदगी हम जी रहे हैं, हर वक्त डर, मौत का खौफ, ना परिवार ना अपनापन, ये नफरत की जिंदगी अब मैं नहीं जी सकता। ये बातें तुम्हें उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब हमने हथियार उठाए थे। उस वक्त हमने बहुत बड़ी गलती की थी, जोश में हमने हथियार उठाए थे और उसी गलती की सजा आज मैं भुगत रहा हूं। मैंने एक ऐसे इंसान को मार दिया जो मेरी जान बचाना चाहता था। उसकी मौत ने मुझे इतना कमजोर बना दिया कि अब मैं हथियार का बोझ नहीं उठा सकता और इसीलिए मैं अपने सारे हथियार सरकार को सौंप रहा हूं। तुम सारे लोग मेरे साथ हो या नहीं? नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। चल लिया, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। चलो साथियों, आओ। प्रायश्चित करने जा रहा हूं, लेकिन जल्द ही वापस आ जाऊंगा। तुम दोनों के साथ हंसी खुशी हम रहेंगे। तब तक बिंदु बेटे, अपनी छोटी बहन सपना को संभालना,
इसे पढ़ाना लिखाना ताकि ये कामयाबी हासिल कर सके। आज से तुम ही इसकी मां बाप हो, सब कुछ हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने साथियों को बहुत मनाया, लेकिन उन लोगों ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया, इसलिए मैं अकेला आत्मसमर्पण करने आ गया। दीदी दीदी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों दीदी? स्कूल में बोलते हैं कि मेरे बापू डाकू हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। नहीं मेरी बहना, तुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएगी तो बाबूजी का सपना कैसे पूरा होगा? मोहन बाबू, अरे मोहन बाबू, अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो मोहन बाबू? क्या है कि जरा बिंदु के ओ, ये तो बिंदु जी के काम से जा रहे हो। अच्छा है, अच्छा है। आप गांव से कपड़े लाते हो और उनको देते हो, वो सीती है और फिर आप गांव में ला कर देते हो, फिर पैसे भी ला कर देते हो। बहुत मान है आप। लेकिन आपको इसके बदले में देती क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब कुछ नहीं है मोहन बाबू, तो मतलब कोई नहीं है। वो पूरा गांव कहता है कि आपका और उनका कुछ चक्कर है। क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? कुछ नहीं था, मैंने आपको कुछ नहीं बोला। क्या जानता मेरे बारे में? मैं क्या पूरा गांव जानता है? क्या जानता है? बिंदु का क्या चक्कर है? पूरा गांव जानता है। हाँ पूरा गांव जानता है। जान लेते। ये नाम सुना पकते रहते हैं। पता नहीं ये क्या पकते रहते हैं लोग भी। बिंदु, ओ बिंदु। मोहन बाबू आप? हाँ मैं। ये गांव वाली मौसी के कपड़े हैं। और सुन, इसे जल्दी सिल देना। और मैंने जो तुम्हें कपड़े कैसे सिल दिए? नहीं वो मैं शाम में दे दूंगी। ओहो, उसे जल्दी सिल देना था ना। तुम तो कहती थी ना सपना के पढ़ाई के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए। चाहिए ना मोहन बाबू, आप हमारे लिए कितना करते हैं? ये तो मेरा फर्ज है। बिंदु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या दीदी? सपना? दीदी सपना, क्या बात है? आज तो इतनी खुश क्यों है? अरे हाँ, तुम्हारा आज रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ दीदी, मैं पूरे जिले में फर्स्ट आई हूँ। मुबारक हो। थैंक यू। सपना, तुमने कामयाबी की पहली सीढ़ी पार कर ली है। इसी तरह मन लगा कर पढ़ना और कुछ बनकर बाबूजी का सपना पूरा करना। हाँ दीदी। दीदी, कुछ जलने की बू आ रही है। हाँ? अरे मैंने अंदर सब्जी रखी थी। तुम भी ना दीदी। अरे हाँ मोहन बाबू, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अब सपना ने भी तो 10th पास कर लिया और ये शहर चली जाएगी, और तुम्हें अपने बारे में, मेरा मतलब है कि
हमारे बारे में कुछ सोचा कि नहीं? मैं कुछ समझी नहीं। यही मैं सोचता हूँ कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। अब हम लोग कब तक यूं ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? नहीं मोहन, अभी नहीं। अभी तो सपना को पढ़ा लिखा कर पुलिस ऑफिसर बनाना है, बाबूजी का सपना पूरा करना है, उसके बाद ही मैं एक होने की बात सोच सकती हूँ। इसके लिए तुम्हें और इंतजार करना पड़ेगा। मोहन, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन सपना के प्रति भी मेरा कोई फर्ज है। बिंदु, तुम ठीक कहती हो, मैं ही स्वार्थी हो गया था। अरे तुम्हारे फर्ज के लिए एक जन्म तो क्या, मैं 7 जन्मों तक इंतजार कर सकता हूं। अब तो खुश हो जाओ। मैं जाऊं? अच्छा। बहुत अच्छे हैं ना, तुम उनसे शादी कर लो ना, बहुत सुखी रहोगी। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं मेरी प्यारी बहना, मैंने बाबूजी को वचन दिया है कि मैं तुम्हें काबिल ऑफिसर बनाऊंगी। उसके लिए तुम्हें शहर जाना होगा, उसके बाद दीदी। गुड, वेरी गुड। तुम्हारे मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है तुम हमारे कॉलेज में भी मन लगाकर पढ़ोगी और हमारा नाम ऊंचा करोगी। जी मैडम। अब कल से तुम कॉलेज ज्वाइन कर सकती हो। कल से क्यों मैडम, आज से क्यों नहीं? ओके, आज से ही कर लो। थैंक यू। थैंक यू मैडम। क्या बात है दीदी, क्या बात है, क्या बात है। हेलो बेबी। हेलो। इसे तो हेलो करना भी नहीं आता, सिखा देंगे। जी मेरी क्लास है। अरे पहले हमारी क्लास तो अटेंड करती जाओ। क्या मतलब समझती हो? मटक मटक कर चलना। अरे जान, क्या लगती हो तुम? लो आ गए। ये क्या बात तमीजी है? तुम लोगों को इतना भी तमीज नहीं कि किसी लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं? अरे इनका मतलब ये नहीं कि तुम किसी लड़की को ना कर दो। चलो जाओ यहाँ से, चलो चलो चलो। भाई मोहन, क्या बात है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बिंदु, पहले तुम आग बंद करो। क्यों? कोरोना। देखो, देख तो नहीं रहे ना? देखो मैं जब तक ना बोलूं तो खोलना नहीं यार। अब खोलो। अच्छा है ना? मैंने सोचा कि बिंदु तुम्हारे कान में है, गले में है, तो हाथ में भी कुछ होना चाहिए। लाओ मैं पहना देता हूं। कितना अच्छा लग रहा है ना? बिंदु, बिंदु, आखिर हम लोग ऐसे कब तक मिलते रहेंगे? आओ भाई शमशेर सिंह। ओए मेरा यार, क्या हाल है? मेरा दिलदार, तुम्हारा स्वागत है। आओ आओ। गले लग जा। सीनों से भरा हुआ है, सीनों से
लगता है कि हमारे शेर की चक्कर किसी हिरनी से हो गई है। ऐसी जबरदस्त हुई है, ऐसी जबरदस्त हुई है कि कहीं तो ही राजा इश्क हाँ। कर रहे हैं, तो कहीं तो लगे हुए हैं, कहीं लला मजनू बैठे हुए हैं, कहीं रोमियो जूलियट लगे हुए हैं। ठीक है, अब आ ही गए हो तो जो दिल में आए करो, सारा गांव तुम्हारा है, जो हिरनी पसंद आए उसे पकड़ लो। इस गांव में तुम्हें रोकने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा इलाका है, हमारा नगीना का। मेरे यार का। सपना फर्स्ट आई है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सपना। कौन? नमस्ते जी, नमस्ते। आप कौन? हमको तो शमशेर सिंह कहते हैं। अब आप ही बताइए, शमशेर सिंह कैसे कहते हैं? जी वो मोहन कहाँ है? मोहन, आपकी आंखों को क्या हो गया है? वो साक्षात मोहन प्यारे तो आपके सामने खड़े हैं, और आदाब मोहन। मैं सोचा था कि आज रामलीला की बजाय रास लीला खेलते हैं। अच्छा तो तुम शर्मा रही हो हैं? ऐसा करते हैं, दरवाजा बंद कर देता हूँ, लोग हमारा तमाशा नहीं देखेंगे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई साहब, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इधर जा रहा है कहाँ? अरे कमाल है ये, अभी आप कहती है बिंदु, मैं इससे मिलने आया उसके पास। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चल चल बाद में आना, जा जा जा। ओ भाई साहब, ये क्या दादागिरी? अरे कमाल एक बार, क्या सीधे से इधर। अरे क्या है, अब तू मेरे घर के तोहीन कर रहे हो,
अपने आप ही में रहो। साफ साफ बताओ कि माजरा क्या है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आपके इस दोस्त ने मेरी बिंदु का बहुत बलात्कार किया है। क्या बोल रहे हैं? देखो बेटे, जोश में होश मत गवाओ। अगर इसने गुनाह किया है तो कानून इसे जरूर सजा देगा। तुम सुबह आ जाओ, हम वादा करते हैं हम तुम्हारे और इसके साथ इंसाफ करेंगे। जाओ। ठाकुर साहब, देखो हम पर विश्वास रखो, हम इस गांव के ठाकुर हैं, हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे, हम तुमसे वादा करते हैं। जाओ, आ जाओ, सुबह आ जाओ। ठीक है ठाकुर साहब, आप कहते हैं तो मैं जाता हूं। जाओ। लेकर ठाकुर, ठाकुर वो तू यार है या दुश्मन? वो छोटी सी लौंडिया के लिए अपने यार को अपने यार को अंधा करवाना चाहता है। अबे शमशेर, लगता है तू सर का ही नहीं अक्ल का भी गंजा है। वो तो हूँ यार। अरे तूने नगीना को पहचाना नहीं? अरे नगीना तो वो नाग है जो विष से नहीं बल्कि विश्वासघात से मारता है। अबे ओ कलुआ। जी मालिक। थानेदार पांडे को फोन तो लगा। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती। मरना तो सब चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से तुम मरना चाहती हो वो कायरता है। तुम्हारे मर जाने से क्या होगा उन पापियों का? कुछ नहीं, वो इसी तरह हवस का शिकार खेलते रहेंगे। क्या तुम यही चाहती हो? नहीं बिंदु नहीं, तुम्हें उन अत्याचारियों के खिलाफ हथियार उठाना होगा और दिखाना होगा कि नारी अबला नहीं है। अरे नारी तो वो चिंगारी है जो भड़क जाए तो ज्वालामुखी बन जाती है। और तुम्हें मैं ये सब बातें इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी जालिमों की शिकार हो चुकी हूँ। लेकिन मैं डाकू नहीं बनना चाहती, नहीं बनना चाहती मैं। कौन कहता कि हम डाकू हैं? अरे हम बागी हैं, बागी जो अपने हक के लिए हथियार उठाए हुए हैं। और तुम्हें भी हथियार की जरूरत पड़ेगी। मांगो बिंदु बंदूक, मांगो, मांगो बिंदिया बंदूक, मांगो, मांगो, मांगो बिंदिया बंदूक, मांगो। मुझे बाकी बनना मंजूर है। आज से ये बिंदु मर गई और एक बिंदिया ने जन्म लिया है और ये बिंदिया आपसे बंदूक मांगती है। मुझे बंदूक दीजिए। नगीना बाबू, आपका काम हो गया। हाँ,